होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। आप हमारे चैनल को पहले बार व्यू कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट रवा कपकेक। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे है योगर्ट। आज के ये सारे इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है वो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर ऑयल, यहाँ मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। इसे हम हल्का सा मिक्स दे देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, यहाँ मैंने लिया है पाउडर शुगर। इसे हम दही और ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ रवा। ये एकदम ही सबसे छोटा साइज का या बहुत ही बारीक वाला रवा है ये। सो इसे भी हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ पर अब हम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हमें हमारे केक बैटर में डालना है उसे पहले हम छान लेंगे। सो यहाँ पे मैंने पहले लिया है मैदा, कुछ कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरह से इस छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल्स रहे तो वो हमारे केक बैटर को कहीं भी किसी भी तरह से ख़राब ना करें। सो अब इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे ये छलनी की मदद से ये क्लीन कर लिया है। सो अब जब तक हमारा यहाँ पे हमने जो बैटर को 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दिया है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब 15 मिनट्स हमने इसे रेस्ट करने दिया था ताकि ये जो रवा है वो थोड़ा सा अच्छा से फूल जाए इसमें। अब हम इसमें हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जिसे हमने छान लिया था उसे हम इसमें अब ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये रूम टेम्परेचर में रखा हुआ जो मिल्क, लगभग आधा कप है ये। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब हमारा ये केक का बैटर है रेडी, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, वो है बेकिंग के लिए। केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अप्पा पैन, जो यूजुअली हम नॉर्मल अप्पास बनाने के लिए लेते हैं, बट इसमें हम आज केक बनाएंगे। सो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये पैन को ग्रीस कर रही हूँ, नॉर्मल ऑयल के साथ आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं
एक टेबल स्पून बैटर जितना होता है उतना ही इसमें प्लेस करूँगी। हमें इसे फुल्ली ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि ये बैटर जब बेक होगा तब ये रेज होगा तो ये केक ऊपर बढ़ता है, तो इसे हमें बहुत ही फुल्ली नहीं भरना है, सिर्फ एक टेबल स्पून जितना आप देख सकते हैं इतना ही हमें इसे फिल करना है। अब हमने यहाँ पे सारे जो कप अप्पा पैन के जो हमारे सेक्शन है उसे भर लिया है बैटर के साथ। अब हम इसे ढक के लगभग 7 से 8 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब चेक करते हैं, हमारा केक रेडी हुआ है। हमने 7 मिनट्स के लिए इसे बेक करने रखा था। स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक टूथपिक लिया है। हम इसे एकदम सेंटर में ही यहाँ पे अंदर चेक करेंगे क्योंकि ये एक पार्ट होता है जो सबसे लास्ट बेक होता है। सो यहाँ पे टूथपिक पूरी तरह से क्लियर बाहर निकला है, जिसका मतलब है हमारा केक है अब परफेक्टली बेक्ड। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हैप्पी कुकिंग। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हैप्पी कुकिंग।